बुलंद आवाज आ रही है, डायमंड का जैसा आवाज होना चाहिए वैसा आवाज आ रहा है, पूरी तरह से आप दहाड़ रहे पूर्वांचल से। मोस्ट वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी शुरुआत पूर्वांचल की जो मीठी आवाज है, भाषा है, एकदम भोजपुरी में आ पाए और स्टार्टअप ले, बाद में हिंदी में भी आ पाए, बाद में आप अंग्रेजी में भी आए, कोई बात नहीं। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं इतना बड़ा अचीवमेंट के लिए। आइए, मोस्ट वेलकम। तो आप सभी रहुआ पाचन के बहुत बहुत स्वागत बा और ये पूर्वांचल के धरती पर, और जहां से हमने के बिलोंग करत बानी गोरखपुर से, और जैसा कि आप देख रहल बानी बैकग्राउंड में हमारे जुझारू और दमदार लीडर्स सभी लोग उपस्थित हैं, और जिनके कर्मों कदम से आज हमको इस मुकाम पे आने का मौका मिला है। कहीं ना कहीं इन सब में सभी लोगों का उतना ही हक है, उतना ही जो है कि हार्डवर्क है जितना मेरा है। तो मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इतने सारे कर्मठी लीडर हमारे साथ मिल करके, हमारे बातों को सुन करके, सिस्टम के बातों को सुन करके, और एलेक्स सर के द्वारा प्रोवाइड किए गए एक महान प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हुए आज हमको इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया है। आज बताते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 11 साल से जो सपना था कि डायमंड बनना, तमाम सारी कंपनियों में काम किया गया, प्रोडक्ट बेस और सारी चीजों को ट्राई किया गया, लेकिन वहां केवल डायमंड ही डायमंड की बात कही जा रही थी, लेकिन डायमंड एक्चुअल में हुआ नहीं। लेकिन यहां पर एक सही कंपनी का चुनाव हुआ, एक सही गुरु का जो है कि मिलन हुआ, और उनके द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को मैंने अपने जीवन में उतारा और उस पे काम किया, और धीरे धीरे कारवा बनता गया, धीरे धीरे कारवा बनता गया, लोग आते गए। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि ये दुनिया की एक अनोखी कॉन्सेप्ट है और नई चीज है बिल्कुल, तो लोगों को यूजर फ्रेंडली होने में, थोड़ा सीखने में हिचकिचाहट हो रही थी और थोड़ा लेट लग रहा था डिसीजन लेने में। लेकिन जैसे ही लोग समझते गए धीरे धीरे और उनका उन सभी लोगों का साथ मिलता गया, तो कारवा जो है कि बढ़ते बढ़ते गोरखपुर से चलते हुए पूरे इंडिया में फैलते हुए आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 13 कंट्री में जो है कि मेरे द्वारा ये व्यवसाय जा चुका है। तो ऐसा प्यारा प्लेटफॉर्म जहां कि मैं इंडिया में सोच रहा था कि इंडिया में मैं डायमंड बनूंगा और वहां पे काम करूंगा, लेकिन सौभाग्य मिला कि 13 कंट्री में व्यवसाय फैल गया और उन लोगों के साथ में भी काम करने का अवसर मिला। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है हमारे सभी महागुरुजनों का। अगर उन लोगों ने हमको अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, बताया नहीं होता, तो शायद मैं आपके सामने नहीं होता। तो मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे जो ग्रेट मेंटर है, और आज खुशी इस बात की है कि हम लोगों के बीच में है और आशीर्वाद देने के लिए और केक सेरेमनी में शामिल है, माननीय श्री जनार्दन निषाद सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। क्योंकि सबसे पहले तो आशीर्वाद होता है परमपिता परमेश्वर का, और उसके बाद माता पिता का, और उसके पास बात गुरु का होता है। लेकिन कहा गया है कि गुरु का जो आशीर्वाद है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो दो ऐसे महान गुरु हैं, जनार्दन निषाद सर और वेद प्रकाश साहनी सर, जिन्होंने आज हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने समझा, अपने जीवन में उतारा, और उनके आदेशानुसार उनके चन कम पग चिन्हों पर मैंने चला और हमको ये सफलता मिली। और जब मैं काम करना चालू किया तो हमारे बीच में जो है कि ऐसे दमदार और जोशीले लीडर एक के बाद जो है कि कंधे से कंधे मिलाकर के तैयार हुए, तो उससे आत्मबल भी मिला